मैं चित्रसेन तिवारी मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैं कक्षा 6, 7 और 8 इन तीन कक्षाओं को एक साथ संस्कृत अध्ययन करा रहा हूँ ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। तीनों कक्षाओं में समान कोर्स लेके चल रहे और सभी को एक ही चीज सिखा रहे हैं जो कि तीनों कक्षाओं के कोर्स में है। लकार के बारे में आपको सिखा दिया, अब विस्तारित रूप के बारे में हम बात कर रहे थे। विस्तारित रूप, इससे पहले मैं 2 दिन विस्तारित रूप के बारे में कराया था, आज और लास्ट दिन आपको विस्तारित रूप के बारे में बताऊंगा, शब्दों को विस्तारित करके लिखने के बारे में। कल से फिर संक्षिप्तीकरण के बारे में बात करेंगे, यानी कि विस्तारित रूप दिया होगा और उसको संक्षिप्त रूप में करके लिखने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। आज विस्तारित रूप का आखिरी दिन, जैसे हमें कोई शब्द दे दे और कह दे कि इसका विस्तारित रूप लिखो, जैसे ये दे दे रमेशा, ये शब्द दे दिया गया। अब हमसे कहा जाए कि रमेश का विस्तारित रूप लिखो, तो एक एक शब्द पहले रॉ लेंगे और इसके नीचे हलंत का निशान लगा देंगे, फिन प्लस का निशान। अब हलंत का निशान लगा रहे, यानी इसके नीचे कोई हलंत का निशान नहीं लगा हुआ और हम हलंत का निशान लगा रहे, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई स्वर मौजूद है। हलंत का निशान नहीं लगाया तो कोई ना कोई स्वर मौजूद है, तो जहां कुछ नहीं दिखता है वहां पर कौन सा स्वर होता है, अस्वर होता है अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा म है, म के नीचे हलंत का निशान लगा के प्लस का निशान लगाएंगे। अब म के ऊपर ध्यान से देखें तो ए का स्वर लगा हुआ है, कौन सा स्वर लगा हुआ है, ए का। उसके बाद ये शंकर वाला स है, इसके नीचे हलंत का निशान लगाएंगे। अब इसके नीचे भी कोई विसर्ग, इसके आगे विसर्ग लेकिन कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर है, अ, प्लस करके विसर्ग। तो ये हमारा रमेश शब्द का विस्तारित रूप हो गया, ठीक है। किन शब्द का, रमेश शब्द का ये क्या है, विस्तारित रूप है। यानी यहाँ पे संक्षिप्त में देखिए, रमेश शब्द इतने संक्षिप्त में लिखा हुआ लेकिन विस्तार से लिखे तो रमेश शब्द कितना बड़ा हो गया। ऐसे ही नंबर 2, महेश शब्द, जैसे दे दे महेशा और कहे कि महेश शब्द का विस्तारित रूप लिखो। हमें क्या दे रखा है, महेश शब्द, इसका विस्तारित रूप लिखना है। तो एक एक वर्ड लिखेंगे, म के नीचे हलंत का निशान, कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर है, अस्वर है। जब हमें कोई स्वर दिखाई नहीं देता वहां पे कौन सा स्वर मौजूद होता है, अ। कोई स्वर दिखाई नहीं देता हो, वर्ण में हलंत का निशान नहीं लगा हो, यानी वहां पे अस्वर मौजूद होता है, प्लस लगा दिए। उसके बाद है ह, ह के नीचे हलंत का निशान लगा देंगे। अब ह के ऊपर कौन सा स्वर लगा हुआ है, ए का, ए का स्वर लगा हुआ है। उसके बाद में श, स के नीचे हलंत का निशान लगाएंगे, स में भी कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, हलंत नहीं लगा हुआ, यानी यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर है, अ, और फिर विसर्ग। तो ये हम महेश शब्द का देखिए विस्तारित रूप यहाँ पे लिख दिए। महेश शब्द के अंदर एक एक वर्ण को हम अलग करके लिख दिए। अब आगे और चलते हैं, आगे हम शब्द लेते हैं, तो जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं, रमेश ले लिया, महेश ले लिया। अब एक शब्द ले लेते हैं गौरी, हमसे कह दे कि गौरी शब्द का विस्तारित रूप लिखो। तो पहले क्या है, ग है, ग के नीचे हलंत का निशान लगा देंगे। अब इसमें मात्रा कौन सा लगा हुआ है, स्वर कौन सा लगा हुआ है, औ का, तो यहां औ का मात्रा लगा देंगे। उसके बाद में र है, र के नीचे हलंत का निशान लगा देंगे, इसमें कौन सी स्वर लगी हुई है, बड़ी ई का स्वर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम गौरी शब्द का ये विस्तारित रूप लिख दिया। अब नंबर चार पे अगला ले लेते हैं कविता, ये शब्द ले लिए और कह दे कि कविता शब्द का विस्तारित रूप करके बताओ। तो एक एक वर्ण को अलग करेंगे, पहले को, क के नीचे हलंत का निशान। अब इसके यहां पहले से हलंत नहीं लगा हुआ था, यानी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अस्वर है, प्लस का निशान, व, व के नीचे हलंत, इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, छोटी, तो प्लस करके छोटी, प्लस त, त के नीचे हलंत लगा देंगे। अब त में कौन सा स्वर है, आ का। तो इस प्रकार से
हम कविता शब्द का भी विस्तारित रूप यहां पे लिख लिए। नंबर पांच में जैसे मंदिरम ये शब्द है, कह दिया जाए कि इस शब्द का विस्तारित रूप लिखो, मंदिरम शब्द का विस्तारित रूप। तो पहले मौ के नीचे अलंत का निशान, यहां अलंत का नहीं लगा हुआ, यानी यहां पे अप्रत्यक्ष रूप से अस्वर है जो अलग कर दिए। उसके बाद में न आधा है, इसमें पहले से अलंत लगा रहेगा, इसमें कोई स्वर नहीं क्योंकि ये आधा लिखा हुआ है और आधा वर्ण में कोई स्वर नहीं होता। उसके बाद में द के नीचे अलंत का निशान लगा देंगे, फिर द के पीछे ध्यान से देखें तो छोटी ई का स्वर लगा हुआ है, कौन से ई का, छोटी ई का। फिर र के नीचे अलंत, र में कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहे तो कौन सा स्वर है, अस्वर है। उसके बाद प्लस करके म पहले से ही आधा लिखा हुआ है तो इसमें कोई स्वर नहीं है। तो इस प्रकार से हम मंदिरम शब्द का भी वर्ण विच्छेद कर दिए, यानी अलग अलग कर दिए। अब नंबर छह पे आपको दोबारा से बता रहा हूं, दे दिया जाए श्याम और कहा जाए इस शब्द का वर्ण विच्छेद करो, श्याम शब्द का, तो अलग अलग श पहले से ही आधा है, ठीक है, इसमें कोई स्वर मौजूद नहीं। य को हलंत लगा के लिख देंगे, इसमें कौन सा स्वर मौजूद है, आ का स्वर मौजूद है। फिन म में हलंत का निशान लगा देंगे, कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से अस्वर है और विषण। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे श्याम शब्द को भी विस्तारित रूप में लिख दिए। तो आज मैं आपको छह शब्दों को विस्तारित करने सिखाया। यहाँ पे HW में आपको कुछ शब्द डाल रहे जिनको विस्तारित करके आप लिखोगे, जैसे निकेतनम नंबर एक पे, नंबर दो पे अध्याय, नंबर तीन पे अध्यापक, नंबर चार पे अध्यापिका और नंबर पांच पे प्राचार्य। इन शब्दों को आप विस्तारित रूप में लिखने का प्रयास करोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।